जी आपका क्या नाम है? लक्ष्मी निशा। आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? मैं हो गए 18 साल। क्या आपने कभी भी कुछ भी गलत होते हुए देखा है वहाँ डेरा सच्चा सौदा में? नहीं, मीडिया एक बात भी सच नहीं बोलती, एक बात भी सच नहीं बोलती। यहाँ तक गुरुजी के जो तेरा गुफा गुफा बोलते हैं ना, वहाँ तक हम अंदर होकर सेवा करके आए, संगत जाते हैं तो उस, मगर मीडिया में तो ये कहा गया कि गुरुजी केवल वहाँ पर महिलाएं ही जैसे ड्यूटी देती थी या फिर पर्सनल ले जाया जाता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पर एक नरकंकाल की बात भी आई थी, क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? नरकंकाल किसे कहते हैं? नरकंकाल पता है उनको, पता है नरकंकाल में और अस्थियों में क्या अंतर है? अस्थियाँ किसे कहते हैं, नरकंकाल किसे कहते हैं? नरकंकाल उसको कहते हैं जो जो मुर्दे गाड़ देते हैं, वो बाद में उनके मांस गल के नरकं जो हड्डियाँ बन जाती हैं उसको नरकंकाल कहते हैं। और जो जलाने के बाद, लाश को जलाने के बाद जो अस्थियाँ निकलती है ना, उसको दफनाते हैं, उसको अस्थियाँ कहते हैं। आपका अपने गुरु पे कितना विश्वास है इस समय में? 101% सच्चाई है। आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया में उन लोगों के बारे में जो कि लगातार आके कह रहे थे कि हमारे साथ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? वो गलत बोल रहे हैं, किसी के सिखावे में देखा, बहकावे में आकर बोल रहे हैं, विश्वास है पूरा। वहाँ पर महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था? बिल्कुल अच्छा व्यवहार। कितनी सेफ्टी वहाँ पर औरतें और बहने? 101%। आप क्या, हमारी भांजी खुद अभी हॉस्टल में है वहीं पे, जिसका माँ नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, दादी नहीं, अभी भी वहीं पढ़ रही है। जी मैम आपका क्या नाम है? आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? 20-25 साल। जैसा कि आप जानते होंगे मीडिया लगातार एक साल से गुरुजी के बारे में बहुत गलत गलत बातें कह रहा है। मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि ना हमने कभी कुछ देखा, ना हमने सुना, और सब झूठ। तो आपको अंधभक्त कहा जा रहा है, कह रहे हैं लोग कि डेरा फॉलोअर्स आज भी डेरा जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जाते हैं और जाएंगे। अच्छा, आपका अपने गुरु पे कितना विश्वास है? हमें जितना भगवान पे विश्वास है, हमारे पिताजी भगवान हैं हमारे, हमने अपने पिताजी को भी कह दिया था जो हमारे जन्मदाता थे, ले गए हमें तो पिताजी मिल गए। हम जिस बात को ढूंढ रहे थे, जिस सच को ढूंढ रहे थे, वो सच हमें मिला। वो झूठ बोलते हैं, वो तो बस यूं ही बना रहे हैं मनगढ़ंत बातें।